नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के भरतपुर शहर की, जो जाना जाता है अपने खूबसूरत जल महलों तथा अपने राष्ट्रीय उद्यान के लिए। इस धरती पर जन्म लिया था द ग्रेट महाराजा सूरजमल ने, जो अपने जीवन काल में कभी युद्ध नहीं हारे। भरतपुर शहर राजस्थान का एक जिला तथा लोकसभा क्षेत्र है। राजस्थान के पूर्व में स्थित यह शहर राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। यह शहर राजस्थान की राजधानी जयपुर से 184 किलोमीटर, आगरा से 55 किलोमीटर तथा भारत की राजधानी दिल्ली से 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस शहर की स्थापना सन 1733 में जाट राजा महाराजा सूरजमल ने की थी। महाराजा सूरजमल के समय ही भरतपुर राज्य की सीमाएं आगरा, अलवर, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, अलीगढ़, इटावा, मेरठ, रोहतक, फरूखनगर, मेवात, रेवाड़ी, पलवल, गुरुग्राम व मथुरा तक फैली हुई थी। भरतपुर जिला राजस्थान में अलवर के बाद दिल्ली NCR में शामिल होने वाला राज्य का दूसरा जिला है तथा दोस्तों भरतपुर जिले को 4 जून 2005 को राज्य का 7वां संभाग बनाया गया, जो राजस्थान में सबसे छोटा संभाग भी है। यहाँ पर बोले जाने वाले मुख्य भाषाएं ब्रज व मेवाती है। राजस्थान में सबसे अधिक वनस्पति घी का उत्पादन भरतपुर जिले में होता है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर के सेवन में स्थित है तथा दोस्तों लक्ष्मण जी को भरतपुर का कुल देवता माना जाता है। भरतपुर जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थलों की बात की जाए तो इसमें नंबर एक पर आता है लोहगढ़ का किला। इस दुर्ग का निर्माण 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल ने करवाया, जिन्होंने एक अभेद किले की परिकल्पना की। यह किला पूर्ण रूप से मिट्टी से निर्मित है, जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए। यह दुर्ग हमेशा अजय दुर्ग कहलाया, जिसे कोई नहीं जीत पाया, इसलिए इस दुर्ग को लोहगढ़ का दुर्ग भी कहा गया। इस दुर्ग का मुख्य दरवाजा अष्ट धातु से निर्मित है, जिसे लोहिया पोल के नाम से भी जाना जाता है। यह वही दरवाजा है जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के शासक रतन सिंह को हराकर दिल्ली लेकर आए थे, जिसे महाराजा सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह ने अफगानों को दिल्ली में हराकर इस दरवाजे को भरतपुर के किले में लगवाया। यह किला भरतपुर के जाट साम्राज्य के हिम्मत व शौर्य का प्रतीक है। इस किले के चारों ओर स्थित गहरी खाई किले को दुश्मनों से सुरक्षा प्रदान करती है। यह किला अन्य किलों की तरह वैभवशाली तो नहीं है, लेकिन इसकी ताकत व भव्यता अद्भुत है। सूरजमल ने मुगलों और अंग्रेजों पर जीत के बाद इस किले के अंदर ज्वार बुर्ज व फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया। नंबर दो पर आता है डींग के जल महल। इन महलों का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया। यह जगह भरतपुर से 34 किलोमीटर दूर डींग कस्बे में स्थित है। डींग के ये जल महल राजस्थान के सबसे खूबसूरत जल महलों में से एक है, जिनमें गोपाल महल, हरदेव महल, किशन महल प्रमुख है। यह महल बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नंबर तीन पर आता है गंगा मंदिर। यह मंदिर शहर का सबसे सुंदर मंदिर है। राजस्थान का एकमात्र गंगा मंदिर भी है, जो दो शैलियों में बना हुआ है। आगे की ओर मुगल शैली तथा पीछे की ओर बौद्ध शैली दिखाई देती है। इसका निर्माण भरतपुर के राजा बलवंत सिंह ने करवाया था। मंदिर की दीवारों और खंभों पर की गई बारीक व सुंदर नक्काशी दर्शनीय है। इस मंदिर का निर्माण 9 दशकों में हुआ था, जहाँ पर देश विदेश से हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। अपने अद्भुत वास्तुशिल्प तथा स्थापत्य कला से यह मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देता है। नंबर चार पर आता है केलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यह उद्यान पक्षियों के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता है। यहाँ की गर्म जलवायु में सर्दियां बिताने हर साल दुर्लभ साइबेरियन सारस यहाँ आते हैं। एक समय यह उद्यान भरतपुर के राजकुमारों की शिकारगाह रहा है। इस उद्यान के अंदर पक्षियों की 400 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। सन 1985 में इस उद्यान को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। नंबर पांच पर आता है लक्ष्मण मंदिर। इस मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह ने 1870 में करवाया। लक्ष्मण जी को भरतपुर के जाट राजवंश का कुल देवता माना जाता है। यह मंदिर राजस्थान का ही नहीं अपितु भारत का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है। नंबर छह पर आता है बांके बिहारी मंदिर। यह मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि यहाँ भगवान कृष्ण भक्तों की सभी आकांक्षाओं को पूर्ण करते हैं। इस मंदिर की दीवारों व छतों पर देवी देवताओं की सुंदर तस्वीरें बनाई गई है। कनेक्टिविटी की बात करें तो भरतपुर शहर सड़क व रेल मार्ग दोनों से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। भरतपुर के रेलवे स्टेशन से राजस्थान तथा भारत के प्रमुख शहरों के लिए ट्रेनें पकड़ी जा सकती है। भरतपुर का पिन कोड 321001 है। अगर दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो भरतपुर शहर के बारे में पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।